पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू। बर्बादी की ओर दौड़ रहा पाकिस्तान। गेहूं के लिए अब भारत के आगे हाथ फैलाया पाकिस्तान। 1962 वाली गलतियां अब तक भारत को पड़ रही भारी। पाकिस्तान आया भारत की मुट्ठी में, जैसे चाहेगा वैसे नचाएगा। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और बुरे दिन भी इतने बुरे हैं कि उनको पाकिस्तान के साथ बुरा बोला जाता है और उनको भी बुरा लगता है। यहाँ पर आप और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान कई सारी परेशानियों से जूझ रहा है और लगातार ये परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान ने मदद मांग ली है और जब किसी ने मदद नहीं की, तो आखिरी में उसने भारत का सहारा लिया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में करने का एक नया तरीका निकाला है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान यहाँ पर उछलता कूदता दिखाई दे रहा है और भारत से विनती कर रहा है कि भारत इस तरीके का कदम न उठाए। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के वक्त बहुत बेकार चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो काम पूरी तरीके से खराब ही साबित हो रहा है। और बची खुची जो कसर रह जाती है वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खराब कर देते हैं। अभी हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे पाकिस्तान को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान के सामने वैसे तो 3 समस्या है जिनको पाकिस्तान लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम भी पाकिस्तान से नहीं हो रहा है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, 1962 में भारत से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और इस गलती में भारत से वर्ल्ड बैंक ने एक साइन करवा लिया था जिससे भारत को वीटो पावर मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर भारत ने अपने वीटो पावर चीन को दे दिया था, और उस समय नेहरू के द्वारा हिंद चीनी का नारा दिया जा रहा था, और इसी वजह से यहाँ पर भारत ने अपनी वीटो पावर चीन को दिलवा दी, क्योंकि यहाँ पर नेहरू को लग रहा था कि चीन को वीटो की जरूरत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियां हो गई हैं जिनका खामियाजा भारत को अब तक भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, भारत द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि भारत से गुजरने वाली नदियां जो कि पानी पाकिस्तान तक पहुंचाती हैं, उसमें भारत कोई बाधा नहीं खड़ा करेगा। और यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा गया था कि यहाँ पर भारत कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे पाकिस्तान को दिक्कत हो, जैसे कि भारत बाढ़ नहीं बना सकता है जिससे कि पाकिस्तान में पानी कम जाए। और ये एग्रीमेंट आज भी भारत को काफी ज्यादा भारी पड़ता है। इसके तहत यहाँ पर 3 नदियाँ पाकिस्तान को मिली थी और 3 नदियाँ भारत की थी, लेकिन भारत की तरफ से भी अपनी नदियों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत की नदियों का भी पानी काफी अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करता रहा। लेकिन इसी को देखते हुए यहाँ पर मौजूदा सरकार ने एक फैसला किया और ये निर्णय लिया कि भारत सरकार अब 10 डैम बनाने वाली है। अब भारत की तरफ से जब ये खबर निकलकर पाकिस्तान तक पहुंचती है तो पाकिस्तान की तरफ से उछलना कूदना शुरू हो गया है, और पाकिस्तान यहाँ पर बोलने लगा है कि ये कानून के खिलाफ है, ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से कहा जा रहा है, हम कोई भी रूल नहीं तोड़ रहे हैं, और आपको बताते चले यहाँ पर 10 में से 5 डैम बनकर तैयार भी हो चुके हैं। दोस्तों, इस चीज से भारत को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इससे भारत बिजली पैदा कर सकता है, और ये बिजली छोटी मोटी मात्रा में पैदा नहीं होगी, बल्कि यहाँ से भारत काफी अच्छी मात्रा में बिजली पैदा कर सकता है। इसका दूसरा फायदा भारत को ऐसे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भारत दूसरे उद्योगों को बढ़ावा देगा, जैसे कि यहाँ पर बिजली आ जाएगी, यहाँ पर कंपनी भी बसना शुरू कर देगी। इसके अलावा भारत के पास एक ताकत और आ जाएगी, भारत इस डैम की मदद से जब चाहेगा पाकिस्तान में बाढ़ ला देगा, जब चाहेगा पाकिस्तान में सूखा पड़वा देगा। ऐसे में भारत के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी, और ये चीज पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। पाकिस्तान ये समझ गया है कि यहाँ पर अगर डैम तैयार हो गया तो हम भारत के गुलाम हो जाएंगे, जैसे भारत बोले हमें वैसा ही करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ मंत्रिमंडल भारत आए हैं और भारत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान इस चीज की मार तो झेल ही रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस समय गेहूं की समस्या भी काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला दिया और दुनिया ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, तो यहाँ पर पाकिस्तान भारत की तरफ अपना रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत से मदद मांग रहा है। लेकिन अभी भारत की तरफ इसको लेकर क्या निर्णय लिया गया है, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर बयान निकलकर सामने नहीं आया है। दोस्तों, एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों का ही स्टॉक बचा है, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने हालात बनाकर रखे हुए हैं, उसको देखते हुए तो अब पाकिस्तान का दोस्त देश भी पाकिस्तान की मदद करने से हिचकी जा रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के दोस्त देश भी लोन देने से हिचकी जा रहे हैं। उन्होंने एक मीडिया में बयान देते हुए कहा, हम मदद के लिए सऊदी अरब और यूएई खुद गए थे, लेकिन दोनों ही देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इन सभी देशों की तरफ से पाकिस्तान को IMF का रास्ता दिख गया है, और जब पाकिस्तान IMF जाता है
तो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर IMF अपनी अलग अलग तरीके की शर्त रख देता है, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान चकरा जाता है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बयान पहले ही दे दिया गया है कि यहाँ पर जून 2022 के अंत से पहले ही पाकिस्तान के ऊपर $5 अरब का कर्ज हो जाएगा। और देश के हालात ऐसे नहीं है वो इस समय इतना ज्यादा कर्जा चुका पाए, इसलिए यहाँ पर चेतावनी पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है। और अगर पाकिस्तान को वैश्विक समस्याओं से कर्जा नहीं मिला तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी दी है कि अगर सेना ने सही फैसला नहीं लिया तो देश 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इमरान खान ने दावा किया कि विदेशों में भारतीय थिंक टैंक बलूचिस्तान को अलग करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय थिंक टैंक के पास योजनाएं हैं और इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आत्महत्या की कगार पर है और अगर सही फैसला नहीं लिए गए तो इसका सबसे पहला शिकार सेना होगा और यूक्रेन की तरह ही हमारे परमाणु बम चल जाएंगे। इमरान खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और सेना की असली समस्या है, अगर सेना ने सही फैसला नहीं लिया तो मैं आपको लिखकर दे रहा हूँ कि वे नष्ट हो जाएंगे और सबसे पहले सेना ही इसका शिकार होगी। उन्होंने चेतावनी दी है, एक बार जब देश बर्बाद हो जाएगा तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान से कहेगा कि हम परमाणु हथियार छोड़ दें, जैसा कि 1990 के दशक में यूक्रेन ने किया था। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा, विदेशों में भारतीय थिंक टैंक अलग से बलूचिस्तान देश बनाने पर जोर दे रहा है, उनके पास योजनाएं हैं, यही वो वजह है जिनके कारण मैं दबाव डाल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका को हर तरीके से खुश करने का प्रयास करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ और आसिफ अल जरदारी हमेशा से ही अमेरिका, भारत और इसराइल का गठजोड़ बनाने के लिए खुशी से काम करेंगे। इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार की योजना पाकिस्तान को मजबूत करने की नहीं है। जब मुझे हटाया गया तब भारत में जश्न मनाया गया जैसे शहबाज शरीफ एक भारतीय हो और सत्ता में आया हो। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत उन्हें इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि वो एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। इमरान खान ने कहा कि इसलिए जब आप एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं तो कई बार आपको न भी कहना होता है। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरीके से इस समय परेशानियों में उलझा हुआ है और उसे सिर्फ और सिर्फ भारत का ही सहारा दिख रहा है, क्या यहाँ पर भारत को अपना गेहूँ पाकिस्तान को देना चाहिए या फिर नहीं? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।